आज हम बनाने वाले हैं फिश करी। मैंने यहाँ पर फिश में नमक, हल्दी, मिर्ची और नींबू डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था और इसे 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था और अब हम फिश को फ्राई कर लेंगे। अब हम इसे पलटेंगे। हमें फिश को गोल्डन फ्राई होने देना है। हमारी फिश फ्राई हो गई है, अब हम फिश को निकालेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर फिश को फ्राई कर लिया है। फ्रेंड्स, अब हम फिश की करी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने वही तेल लिया है जिसमें मैंने फिश फ्राई कर ली थी। अब हम इसमें खड़े मसाले डाल देंगे। अब हम इसमें प्याज की पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे। इसको हम गोल्डन होने तक थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें टमाटर की पेस्ट डालेंगे। हमारा प्याज और टमाटर अच्छे से पक गया है और साइड में तेल भी दिखना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक बड़ा चम्मच गरम मसाला। अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच फिश करी मसाला डालेंगे। अगर आपके पास फिश करी मसाला ना हो तो डालने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मैंने यहाँ पर एक चम्मच डाला है और अब हम इसे थोड़ा सा, जब इसमें उबाल आ जाएगा तब हम फिश को डाल देंगे। ग्रेवी में उबाल आने के बाद हमें इसे 5 मिनट तक उबलने देना है जिससे कि मसाला का स्वाद ग्रेवी में आ जाए। अब हम इसमें फिश डाल देंगे। फिश डालने के बाद हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। अब हम इसे धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी फिश करी जो है वो तैयार हो गई है। अगर आपको फिश करी ज्यादा पतली चाहिए होगी तो आप इसमें ज्यादा पानी डाल सकते हो। अगर आप फिश को करी में फ्राई करके डालोगे तो आपके फिश के पीसेस टूटेंगे नहीं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।